नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। एक बड़ी न्यूज को हम डिस्कस करेंगे कि इसके पीछे क्या वजह है। 14 साल बाद जो है माचिस के दाम जो है वो बढ़ने जा रहे हैं। अभी तक जो है मैच बॉक्स की प्राइस जो है 1 रुपए हुआ करती थी, अब जो है वो 2 रुपए हो गई है। तो इसके पीछे हम जानने की वजह कोशिश करेंगे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है कारण जो है अभी माचिस के दाम जो है इतने दिनों बाद फिर से बढ़ रहे हैं। तो अभी जो है न्यूज में, अभी ये लास्ट वीक में न्यूज में था कि कुछ मटेरियल्स हैं जो ये मैच बॉक्स बनाने के लिए जो मटेरियल्स यूज होते हैं उनके दाम जो है बढ़ रहे हैं और वो बढ़ चुके हैं काफी। मतलब जीएसटी, फिर डिमोनेटाइजेशन, अब इसके बाद ये पैंडेमिक के बाद जो है, कोरोना के बाद जो है, जो इसके रॉ मटेरियल यूज किए जाते थे मैच बॉक्स बनाने के लिए उनके दाम बढ़ रहे हैं। तो वहां पे जो ये व्यापारी है, जो ये बना रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर है, वो कह रहे हैं अब हमें 1 रुपए में हम इसको नहीं बेच सकते, तो हम इसकी जो प्राइस है वो अब सिंपल सा डबल करने जा रहे हैं। और डबल, ये अभी ऐसा नहीं है कि हर साल 2 साल में बढ़ रहा है ये प्राइस, ये 14 साल बाद जो है ये प्राइस बढ़ रही है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो मटेरियल यूज हो रहा है, जो केमिस्ट्री का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखें तो वो क्या मटेरियल यूज हो रहा है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, और रीजंस क्या है इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हम इसके बारे में पूरा डिस्कशन करते हैं। आफ्टर 14 ईयर्स ऑल इंडिया चैम्बर ऑफ मैचेस, जो ऑल इंडिया चैम्बर ऑफ मैचेस होता है यहाँ पे, मतलब इनके मैन्युफैक्चरिंग का जो एक ग्रुप बना है इन्होंने, उन्होंने कहा, शिवाकाशी में ये है, यहाँ पे शिवाकाशी जो है आप उसे देखेंगे, शिवाकाशी जो है तमिलनाडु में है, और यहाँ पे जो वहां पे उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब जो है प्राइस फ्रॉम 1 रुपीज से अब कर दे, 1 रुपीज से हम इसको 2 रुपए में कर देंगे। कॉस्ट और इन्फ्लेशन और कास्ट जो इसका बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसकी वजह से वो कर रहे हैं। और ये अभी कब से अप्लाई होगा, 1 दिसंबर से ये अप्लाई होगा। द लास्ट टाइम अगर मैच बॉक्स की बात करें कि कब बढ़ा था, तो वो 2007 में बढ़ा था, फ्रॉम 50 पैसे पहले आते थे, आपने देखा होगा आपके बचपन में टाइम पे 50 पैसे में, इसके पहले 25 पैसे में होता था, फिर 50 पैसे में हुआ 2007 में, उसके बाद जो है 1995 में 25 पैसे से 50 पैसे हुआ था, और 2007 में 50 पैसे से 1 रुपए हुआ था। अब जाके हम 2021 में जो है ये 1 रुपए से 2 रुपए हो रहा है। तो देखिए, अगर हिस्ट्री की बात करें मैच बॉक्स कैसे बना, क्योंकि ये देखिए ये रेगुलर यूज में होने वाला है, डेली यूज में आने वाले चीजें हैं ये सब मैच बॉक्स। तो आप तो मतलब कुछ भी काम, मतलब मैच बॉक्स तो आप समझ सकते हैं, किचन का तो मतलब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें में आ जाता है ये मैच बॉक्स जो है। तो इसमें जाने कुछ करते हैं, हिस्ट्री क्या है इसकी। देखिए, इसकी भी एक लॉन्ग हिस्ट्री है, ये 1669 से डिस्कवरी ऑफ फॉस्फोरस का जब हुआ था उसके बाद से, क्योंकि इसमें जो है जब आप मैच बॉक्स को प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें रेड फॉस्फोरस यूज होता है, वो रेड फॉस्फोरस जो है व्हाइट फॉस्फोरस में जब कन्वर्ट होता है तब जाके उसमें आग लगती है, फिर जाके वो जो तीली होती है माचिस की वो जलने लगती है। तो देखिए, पहले क्या होता था ना, 1669 से पहले क्या होता था, जो वहां पे ना व्हाइट फॉस्फोरस का यूज करते थे, तो कभी प्रॉब्लम ऐसे आने लगा कि व्हाइट ऐसे मैच बॉक्स जो है रखे रखे मतलब जलने लगता था, वो जल जाता था, तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम थी। तो सेफ्टी मैच बॉक्स बनाने का मतलब इस पे आइडिया आने लगा कि हम कैसे सेफ्टी मैच बॉक्स बनाएं। तो इसके पीछे एक इवोल्यूशन की काफी अच्छी, मतलब यहाँ पे एक इवोल्यूशन हुआ इसका, तब जाके यहाँ पे जो आज हम सेफ्टी मैच बॉक्स तरीके यूज कर रहे हैं, अपने आप तो उसमें आग लग नहीं जाती, तो इसके पीछे एक बड़ी पूरी हिस्ट्री है। अब फर्स्ट हाफ सेंचुरी में जो है यूरोप में वहां पे डेवलपमेंट यहाँ पे प्लेस होने लगा, और सिस्क्रोफ्लाइट जो है और पोटेशियम क्लोरेट उसका यूज करने लगे। पोटेशियम क्लोरेट का मतलब पहले उसको यूजिंग फॉस्फोरस एंड सिस्क्रोफ्लाइट जो सल्फाइड होता है इसको यूज किया, जिससे ये अपने आप आग ना लग सके और जब जलाया जाए तो तुरंत जल जाए, इसके लिए हमने वहां पे यूज किया पोटेशियम क्लोरेट का। जैसे कोई मैचस्टिक में अगर आप वहां पे उसको बर्न करते हो और वो जलता नहीं जल्दी से, वो उसमें काफी देर आप देखते हो कि जल नहीं रहा है, बार बार आपने 2-4-5 यूज कर लिए लेकिन वो जल नहीं रहा, तो इसका मतलब उसमें पोटेशियम क्लोरेट की मात्रा जो है वो काफी कम है, तभी जो है वहां पे वो जल्दी जल नहीं रहा है। और अर्ली फेस में हम बात करें तो स्वीडन में मांगते हैं, स्वीडन में जो है यहाँ पे पहले ही जो मैच बॉक्स का होता है ये पूरी स्टार्टिंग से जो वहां पे डिस्कवरी जो होने लगी, यहाँ पे पूरा रिसर्च होने लगा, वो स्वीडन से स्टार्ट हुआ, फिर अंग्रेजों ने यहाँ पे ले आया इंडिया में, और फिर उसके बाद कलकत्ता में खोला पहले अपना मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, उसके बाद जो है तमिलनाडु में, फिर तमिलनाडु में ये काफी इवॉल्व हुआ, लोगों ने यहाँ पे सीख देखा कि तमिलनाडु में क्या होता है वहाँ रॉ मटेरियल यूज अच्छे से मिल जाता है, क्योंकि जो उसमें आपने देखा होगा लकड़ी जो यूज होती है वो वुडन जो है वो सॉफ्ट होनी चाहिए, ना ज्यादा हार्ड होना चाहिए ना ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बात करें ना, तो इसमें 14 आइटम्स जो है ऐसे यूज हो रहे हैं जिनकी प्राइस जो है वो बढ़ जा रही है। जैसा कि रेड फॉस्फोरस का जो प्राइस 1 kg प्राइस जो था वो ₹810 हो गया, कितने से 425 से। तो जो रेड फॉस्फोरस होता है वो काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन प्ले करता है, क्योंकि ये एक इनपुट में जो इनपुट इसमें मैन्युफैक्चरिंग में प्रोवाइड किए जाते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल ये जो होता है वो रेड फॉस्फोरस का होता है, क्योंकि यही जो होता है वो बर्निंग के लिए वही जिम्मेदार होता है। तो वैक्स हाइट जो प्राइस है वो भी देखो इसमें इनपुट में यहाँ पे देखो 58 से 80 रुपीज हो चुके हैं। आउटर बॉक्स बॉर्ड और जो इनर बॉक्स बॉर्ड है
वो दोनों का भी प्राइस इसमें इंक्रीज हो रहा है। तो मैन्युफैक्चरर जो है वहाँ पे वो सेट सिंपल सा कह रहे हैं, जो कॉस्ट ऑफ पेपर स्प्लिट जो पोटेशियम क्लोरेट होता है और सल्फर जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये सब इनपुट्स में, तो इन सब का प्राइस बढ़ने की वजह से जो है हमारा जो आउटपुट का प्राइस है वो मैच बॉक्स का वो सिंपली इसी रीजन की वजह से यहाँ पे बढ़ रहा है। देखिए जो ट्रीज यूज होता है ना इसमें व्हाइट पाइन और एस्पर ट्री यूज होता है, तो वो दोनों ट्रीज जो है वो भी अब थोड़ा इसके प्राइस जो है वो बढ़ चुके हैं, क्योंकि यही जो ये स्पेसिफिक यही ट्रीज होते हैं जो यूज किए जाते हैं मैच बॉक्स की जो अभी स्टिक होती है ना उसमें यूज किए जाते हैं, तो इनकी भी प्राइस जो है यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो इस वजह से जो है इसकी प्राइस यहाँ पे बढ़ा दी गई है। देखिए इन्फ्लेशन का सिंपल सा टारगेट है, आरबीआई ने तो इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रखा है, बट जो इनपुट वहां पे जब इनपुट का जो प्राइस जो भी रॉ मटेरियल यूज किए जाएंगे अगर उनका प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो आउटपुट जो प्रोडक्ट होगा उसका प्राइस तो इस पे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि देखिए मई और जून में जो प्राइस था ना वो यहाँ पे 6% जो होता है आरबीआई का सिंपल सा, अब आरबीआई के अंदर सिंपल टारगेट होता है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखे, बट मई जून में यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो टारगेट को बाहर जा रहा था, यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन इस टाइम था, तो उसी का जो है इम्पैक्ट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर एक क्वेश्चन का हम सिंपली यहाँ पे जवाब ढूंढे कि क्या गवर्नमेंट इस पे प्राइस को इंक्रीज कर रही है, नहीं गवर्नमेंट प्राइस इंक्रीज नहीं कर रही है, बट गवर्नमेंट एक तरीके से इनडायरेक्टली जिम्मेदार तो होती है किसी भी रॉ मटेरियल का जो इनपुट कोई भी इनपुट यूज किए जा रहे हैं, इनपुट रॉ मटेरियल यूज किए जा रहे हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, तो वहां पे जो है अगर उस पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस बढ़ेगा। सिंपली जैसे वेजिटेबल्स तो गवर्नमेंट बेचती नहीं, आप ऐसे सोचो कि वेजिटेबल्स तो गवर्नमेंट बेचती नहीं, बट जो फ्यूल का प्राइस होता है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जब बढ़ेंगे तो सिंपल से बात है वेजिटेबल्स के प्राइस बढ़ेंगे। सेम मेथड यहाँ पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं कि इस वजह से ये प्राइसेस जो है वो यहाँ पे बढ़ रहे हैं जो पहले 1 दिसंबर से अप्लाई होंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे आविष्कार की बात करें तो मैच स्टिक का यहाँ पे किसने मैच बॉक्स का किस कौन आविष्कारक है, तो जॉन वॉकर नाम से, जॉन वॉकर जो स्वीडन के थे वो है ये इंपॉर्टेंट, जॉन वॉकर जो है वो वहाँ पे आविष्कारक है मैच बॉक्स के, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से। तो और अगर हम बात करें प्राइस का तो देखिए 1915 यहाँ 5 पैसे से स्टार्ट हुआ था, 1916 10 पैसे, 1970 में 15, फिर 1950 में 25 पैसे, 1994 में 50, फिर 2007 में यहाँ पे 1 रुपए हुआ, 2008 तक ये अप्लाई हो गया था ये प्राइस का, फिर 2021 में जो है ये प्राइस कितना हो जाता है यहाँ पे 2 रुपए हो जाता है। तो ये था अभी इस पे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है इसके बारे में। इसके देखिए आप तो एक स्टूडेंट हो, आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपको स्टूडेंट भी नहीं हो फिर भी आप अगर जानकारी लेना चाह रहे हो कि रीजन क्या है, तो इसके रीजन के लिए ये वीडियो जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।